आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप उस रात के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। आप ऐसे कैरेक्टर के बारे में उंगली नहीं उठाएंगी। हर दिन सुबह उठ के रिग्रेट करता हूं कि क्यों मैंने प्राची के ऊपर डाउट किया। काश मैं ऐसा ना करता। पल्लवी, मैं ये बोलने आई थी कि हमेशा की तरह मैं गलत हूँ, प्राची सही है। रणवीर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। उन दोनों के रिश्ते पर फर्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिया गलत है, प्राची सही है, 100 बार सुन चुकी हूँ मैं, ये सब नहीं सुनना है। और पल्लवी, मैं तो ये कहने आई थी कि ऑफिस की पूजा जब तुम कहोगी तब पंडित जी करेंगे। कल जब वो सत्यनारायण की पूजा के लिए आएंगे ना, तब ऑफिस की पूजा की सारी डिटेल्स देंगे। मैं तो ये सारी देने आई थी तुम्हें। कल पूजा में यही सारी पहनना, बाकी सबके कपड़े उनको दे दिए मैंने। लेकिन हाँ पल्लवी, गुस्से में ही सही, लेकिन तुमने जो बोला ना भी सच कहा। माँ बाप चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन अपने बच्चों की खुशियां पहचानने में कभी गलती नहीं करते। आज जो मैं प्राची और रणवीर के लिए बोल रही हूँ ना, वो कई साल पहले तुम्हारे और विक्रम के लिए बोलती थी। इसी वजह से आज भी इतने सालों के बाद तुम दोनों का रिश्ता प्यार और भरोसे के साथ बना हुआ है। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं हूँ पल्लवी, एक सास भी हूँ। और सास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे साथ खड़े रहना, तुम्हारे हर सही फैसले में तुम्हारा हौसला बढ़ाना और हर गलत फैसले में तुम्हें टोकना। सास होना एक ओहदा ही नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है पल्लवी। बेटे की माँ होने के नाते तो ये रिश्ता बन जाता है, लेकिन ओहदा तब मिलता है जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे और बहू की जोड़ी बनाए रखना, उनका घर संसार बसाए रखना, ना कि उनको डिस्टर्ब करना। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बेटे की गृहस्थी डिस्टर्ब कर रही हूँ? सवाल तो तुमने अच्छा पूछा है, लेकिन उसमें जिज्ञासा से ज्यादा शंका है। बड़ों के तजुर्बे पे कभी शक मत करना। और एक बात बताओ, तुम एक अच्छी सास बनने में फेल हो गई हो। कोई बात नहीं, दूसरा मौका हर किसी को मिलता है। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि एक अच्छी सास साबित हो पाओ। आप जानती है ना मेरी बहू कौन? अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी धर्म की बहू कौन है। कल 8:30 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तैयार होके आ जाना। आलिया, इस लड़की से कह दो कि रणबीर मेरा बेटा है, मुझे कितना प्यार करता है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, इसका सर्टिफिकेट मुझे इससे लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहना चाहता था, उसका मतलब क्या था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आलिया प्लीज स्ट्रिक्टली टेल हर, माँ बेटे के बीच में आना मत। समझ आ गया या समझा दूं मैं तुम्हें? मैं समझ गई, आप लोग नहीं समझ रहे। अमीर रणबीर लव्स यू, आपसे बहुत प्यार करता है। आप मुझे बस इतना ही कहना था। मैं पंडित जी को देखकर आती हूँ, कुछ चाहिए कि नहीं, तुम प्लीज गैस को संभाल लेना। अरे डैड, हाय हाय, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। रात भर सिर्फ काम करता रहा या सोया भी? थोड़ा काम किया, थोड़ा सोया, थोड़ा आराम। वैसे तू थोड़ा ज्यादा आराम करेगा ना तो मैं तुझे डांटूंगा नहीं। हाँ, एक टाइम था जब मैं तुझे बहुत सुनाता था क्योंकि तू कुछ काम नहीं करता था, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया। अब तू इतना काम करने लगा है कि मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि कहीं शायद मैंने तुझे ऐसा नहीं बना दिया। नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा है भी, अगर तू मेरी बात सुन के ऐसा बन गया है तो मेरी एक और बात सुन ले। ये लाइफ है ना, एक ही बार मिलती है, इसे अच्छे से जी। अगर जिंदगी जीने की वजह खत्म हो जाए तो इंसान काम को जीने की वजह बना लेता है। कहाँ खो गया? कहीं नहीं, ये सोचा था जब मैं काम से ब्रेक लूंगा तो मैं घूमने कहाँ जाऊंगा। घूमने नहीं, ये कह कि जीने कहाँ जाऊंगा। हाँ, याद आए। अरे
जय भी आ गया। हाय जय, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू सर। तुम सिर्फ हमारे घर में फेस्टिवल्स भी दिखाए देते हो। कैसा है? ऑल गुड टू। कैसा? ऑल गुड। तुम वैसे पूजा करने आए हो या काम करने? सर इसके लिए मुझे ने अपने बेटे को डांटी है। सुबह शाम काम 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 और कुछ नहीं। और तो सर आजकल फोन कर करके काम करवाता है। तुम और रणवीर साथ में पूजा में बैठो। पंडित का कहना है कि सत्यनारायण पूजा में शादीशुदा जोड़ा साथ में बैठता है। मैं ही बैठूंगी बूजी, क्योंकि मुझे देखकर उस प्राची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। बाय द वे, हाउ एम आई लुकिंग? नाइस। यू ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। अब मुझे और रणबीर को साथ में पूजा में बैठना है तो अच्छा तो दिखना होगा ना। भगवान को लगना चाहिए ना कि मैं और रणबीर एक खूबसूरत कपल है। भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, अच्छी तो लगेगी। मेरा भी मन कर रहा है कि आज ना बड़े बुजुर्ग की तरह एक नजर का टीका तुम्हें लगा दो। टीका लगाओगे तो बूढ़े ना बन जाओ आप। Hey, anything for you. बहरे हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे देखे क्या जा रहे हो? देखो ऐसे दांत दिखाना बंद करो वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। नहीं जी मैडम जी, मेरा मतलब वो नहीं था। प्राची जी ना वो किचन में है। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको देख नहीं रहा था। मतलब देख रहा था लेकिन वैसे नहीं देख रहा था जैसा आपको लग रहा है मैं देख रहा था। बोलना तो बहुत आता है, काम करना आता है? वही कर रहा था जी। वो तो दिख रहा है कितना काम कर रहे हो तुम। सॉरी सॉरी जी, मैं वो एक्चुअली ट्रे लेने आ रहा था, आप टकरा गए। सॉरी। सॉरी मैडम जी। मैंने देखा अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं जी मैं कुछ करना नहीं चाहता था, एटीट्यूड दिखा रही थी फालतू में मुझे। तो तुम भी दिखाओगे, पता है ना क्या बन के आए हो। इसीलिए तो आपको सॉरी बोला जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपके सिस्टर विस्टर। मेरी कोई सिस्टर नहीं है, वो प्राची की है। इनफैक्ट सिस्टर से भी ज्यादा। उसे बचकर रहना, बहुत दिमाग चलता है उसका। शक हो गया ना तो अपना काम नहीं कर पाओगे, समझे? ओके जी। नाउ लेट्स गो। जी जी। तुम्हें दिखाती हूँ प्राची पर कहाँ अटैक करना है। लेट्स गो। किसी और का इंतजार कर रहे? तुम्हारा ही कर रहा था। पूजा में बैठे हैं, कम से कम अभी तो झूठ मत बोलो। मुझे उकसाओ मत, क्योंकि अगर मैंने तुमसे सवाल पूछ लिया ना तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। अब रिया उठो, बेटा कैसे गिरी तुम? हाँ आ जाओ, उठो। ठीक हो तुम? उठो वहां से, वो मेरी जगह है, समझी? तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। आज पूजा के दिन तो ये नाटक मत करो। घर की सुख शांति के लिए ये पूजा हो रही है, इसलिए तो बैठी हूँ। पता है ना तुम्हें, ये पूजा तभी सफल होती है, इसका सार्थक तभी होता है जब पति और पत्नी साथ में ये पूजा करते हैं। पत्नी धर्म पत्नी, इल्लीगल सौतनी जो तुम आ गई मुंह उठा के, तभी कह रही 10 कदम पीछे हट जाओ और शांति से हमें पूजा करने दो। पूजा शुरू होने से पहले इस घर की सुख शांति मत बिगाड़ो। आप लोग हाथ में पुष्प रखें और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे।
कलेश तो सबके घर में होते होंगे, लेकिन आज जो यहाँ होगा ना वो किसी के यहाँ नहीं होगा। तुम रस्सी काटना शुरू करो, और जब इस रस्सी का आखिरी धागा रह जाए तो रुक जाना, क्योंकि फिर ये रस्सी अपने आप कटेगी और झूमर गिर जाएगा। ओके मैडम जी, आज यू से मैं वहाँ जा रही हूँ और इंस्ट्रक्शन सुनते रहना। ओके जी। अब आप दोनों हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब हम लोग आरती प्रारंभ करेंगे। आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। क्या है? अरे कब से आपको फोन करा? रणवीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है मैडम। अरे पैर में चोट लगी, कील घुस गया मेरे। वैसे मुझे हेल्प नहीं मिली ना, तो भाग नहीं पाऊँ। अगर मैं भाग नहीं पाए तो रणवीर मुझे पकड़ लेगा और मार मार के मेरा भुत्ता बना देगा, समझ रहे हो ना? और अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना? देखिए मैडम जी, मैं फिफ्थ क्रॉस रोड पे हूँ, वहाँ पे सर्विस लेन की पार्किंग है ना, वहाँ पे ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी है, उसी के पीछे छुपा। प्लीज जल्दी हेल्प भेजिए। ओके अरे प्रीति, कब से साफ ही कर रही हो, जल्दी साफ करो। क्या कर रही हो वहाँ? बाकी सब नौकर कहाँ हैं? आलिया मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना? रणवीर मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे है, वो वहाँ भागा है। हाँ? चल यू राइट। ये तो पता लगा नहीं पाया मैं यहाँ पर हूँ, अपनी बीवी को खाक बचाएगा। अरे किधर जा रहा है तू, चलना। मुझे लगता है वो भाग गया, हम लोग वापस घर चलते हैं। चल फालतू में आलिया मैडम से हेल्प मांगी, ये तो बड़ी जल्दी हार मान गया। सुन के आपको शायद बुरा लगेगा, और अगर आपको बुरा लगेगा अभी तो मैं आपकी बात को समझूंगा, और मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी मेरी फीलिंग्स को समझें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। I'm not afraid to die.
ये क्या हो रहा है? ठीक है, उसे पकड़ यार। उस आदमी ने मुझे खुद ये बात बोली कि वो यहाँ पे प्राची को मारने आया था। तुमने रणबीर को बता दिया कि तुम वहां प्राची को मारने आए थे? मैडम जी, पता नहीं पड़ा मुझे। तुमने रणबीर को यह भी बता दिया कि तुम्हें वहां किसने भेजा था प्राची को मारने के लिए? तुमने मेरा और रिया का नाम दे दिया रणबीर? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने उसको ये नहीं बताया कि आपने और रिया जी ने मुझे भेजा था। लेकिन हाँ, उसे ये जरूर पता है कि किसी घर के सदस्य ने किया था। हाँ? जो प्राची को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। सॉरी मैडम जी, मैं चलता हूँ मैडम जी। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं हुआ, रणबीर को पता चल गया कि घर का ही कोई आदमी है जो प्राची को, अब जब तक वो उस इंसान को ढूंढ नहीं लेगा, आई एम श्योर वो चैन से नहीं बैठेगा। उस इंसान ने मुझे खुद साफ साफ ये बात बोली है कि जो प्राची को मरवाना चाहता है वो हमारे घर का सदस्य है। वो एक ऐसे टाइम पे घर पे आया जब घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उसको डिफरेंस पता नहीं चला कि कौन घर का सदस्य है और कौन गेस्ट है। तो आज आप जितने भी गेस्ट हैं, आज के लिए मेरे घर के सदस्य हैं। आई होप आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप सबसे पूछताछ करेंगे, पहले घर में आए गेस्ट उनसे हम सवाल करेंगे ताकि जो कोई भी हमारे शक के दायरे में नहीं आए वो घर जा सकेगा, और गेस्ट से पूछताछ करने के बाद हम फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करेंगे। I'm really sorry for the inconvenience, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो आई होप आप लोग समझेंगे और मेरा साथ देंगे। प्लीज, हम समझते हैं रणबीर, हम सब आपको कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। आपको किसी पे शक है? किसी घर वाले पे या किसी मेहमान पे, या कोई ऐसी एक्टिविटी आपने देखी हो या कुछ ऐसा सुना हो, कुछ भी? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्राची को सच में कोई मारना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, घर के बाहर प्राची के कौन दोस्त है, उसके जान पहचान वाले कौन है, किसी से उससे प्रॉब्लम है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। अब उसकी किससे दुश्मनी है, कोई उससे कितनी नफरत कर सकता है कि घर में आकर उसे मारना चाहे, मैं नहीं जानती। इनफैक्ट प्राची तो किसी से झगड़ा भी नहीं करती, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहती है, इनफैक्ट प्यार से बात करती है सबसे। यही तो आता है उसे, सबसे मीठी मीठी बातें करती, इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि कभी कभार चिढ़ हो जाती है उसे। मतलब वो कहते हैं ना कि जब कोई इतना मीठा खा लेता है कि मीठा कड़वा लगने लगता है, वैसे ही वो। मतलब उनकी बातें आपको कड़वी लगने लग गई? उसका ओवर फ्रेंडली बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम था? कुछ पता चला आपको? देखिए, हमने अपनी पूरी पूछताछ कर ली है, मुझे अब किसी से कुछ नहीं पूछना है। एवरीथिंग इज ओके? अरे हाउ इज एवरीथिंग ओके? यहाँ पे प्राची पे जानलेवा हमला हुआ है, आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके? नहीं, अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कल्प्रिट कहाँ है यहाँ पे? ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं है? अरे कल्प्रिट ने मुझे खुद बोला है कि हम में से ही कोई है जिसने प्राची को मारने की कोशिश करी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा? इन्होंने आपके फैमिली मेंबर पे अटैक कराया, आप उनकी बात पे भरोसा कर रहे हो? देखिए, जिस तरह टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता ना, उसी तरह क्रिमिनल की जुबान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अरे उस पे तो कोर्ट भी भरोसा नहीं करता, आप कैसे मान रहे हैं? पर रस्सी तो काटी गई है रब, और वो अकेले तो रस्सी काट ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी आया हो जो पहले ही चला गया हो यहाँ से। देखिए, मैंने जिन लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की है ना, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी गलत हो सकता, इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी करनी होगी। हो सकता है हम जिसे घर में ढूंढ रहे हैं वो घर में ना हो, बाहर कहीं हो, तो हमें अपनी तलाश बाहर करनी होगी।
ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इनमें से ही कोई एक है जो प्राची को जिंदा नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आपने तो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि घर में से कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था, लेकिन अब मैं बाहर आके आपको सच बता रहा हूँ, मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। सिर्फ आप हैं जिसे मैं क्लीन चिट दे सकता हूँ। बाकी ये लोग जितने भी है ना, वो सब ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। कल फिर आपके घर में कोई एक है जो बाहर है, वो किराए का गुंडा है। इसे इनमें से ही किसी ने हायर किया था ये काम करवाने के लिए। सही कह रहे हैं, मुझे उस गुंडे ने खुद बोला था कि घर का ही कोई सदस्य है जो ये सब करा रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सदस्य है? और वो गुंडा हमारी गिरफ्त में भी नहीं है तो कैसे पता लगा? जी हाँ, बिल्कुल परेशान मत हुई, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इसीलिए सारी बातें मैं वहां पे नहीं करके यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कल्पित को ये लगे कि वो अनसेफ, क्योंकि अगर वो अनसेफ फील करेगा तो अलर्ट हो जाएगा। उसे रिलैक्स रहने दीजिए, अगर वो रिलैक्स होगा तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ऐसा क्या उस प्राची मैडम में जो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया? रणबीर सर प्राची मैम को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी आंखों में वो आंसू तक नहीं देखते और अटैक तो वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जब तक तुम्हें सजा नहीं दिलवाएगी ना, वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तुझे पता है वो पड़ रहा है इन सब चीजों में। आलिया और रिया मैम का क्या है, वो तो बच जाएगी, फंसे तो तू फंस जाएगा। क्यों कर रहा है? मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ, और अगर फंस भी गया ना तो पैसे मिलने वाले ना मेरे को, जमानत में छूट जाऊंगा, लॉयर हायर कर लूंगा। कहाँ के सपने देख रहा है, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। किस काम के तुझे पैसे मिलने वाले? वो काम तुमने किया नहीं किया ना, तो क्यों पैसे मिलेंगे? अरे देंगे पैसे वो। क्यों देंगे? मैं कोई बहाना मार के उनसे निकाल लूंगा पैसा। क्यों जा रहा है तू इतना अंदर? मत पड़े अंदर, तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। सुपारी लिया ना तो पान तो चबाना ही पड़ेगा। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा पावर सब कुछ है, ये लोग कुछ भी कर सकते। और देख लो रिया मैम को देख, रणबीर सर को पाने के लिए वो अपनी बहन की जान लेने तक नहीं सोच सकते, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हो। तो क्यों बहन की जान लेना? ये खाना क्यों? काफी देर हो गई कुछ खाया नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए लेकर आई। नहीं एक्चुअली मैं बाहर से खा के आ गया था, बट थैंक्स तुम खाना लेके आई। मैं प्रीति को बोल के भिजवा दूंगा रूम में। मैं खाने के लिए लाई हूँ, वापस भिजवाने के लिए नहीं। पर मुझे अभी भूख नहीं लगी हुई। हाँ तो मत खाओ, पर ऐसे वापस मत भिजवा। अरे अजीब बात है, जब मुझे खाना ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमसे क्या, मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। रीधा ने क्या कहा, भूल गए? गुड नहीं तो गुड जैसी बातें कर लेनी चाहिए। नाराज है ना? लोगों ने मनाना छोड़ दिया तो मैंने नाराज होना छोड़ दिया। नाराज हूँ मैं, लेकिन अपने आप से। और वो नाराजगी तुम मुझ पे उतार रहे हो है ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ना मैं अपनी नाराजगी तुम पे उतार रहा हूँ। मैं बस थक गया हूँ रूठते मनाते हुए, थक गया हूँ बिगड़े रिश्ते सवारते हुए। I'm just very tired. तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा था कि मैं तरसता था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करो। एक हफ्ते पहले तक अगर तुम ये खाना लेके मेरे पास आती ना तो मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन अभी मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। वक्त बदल गया है। नहीं, फीलिंग्स बदल गई। नहीं रणबीर, सब कुछ बदल सकता है, वक्त बदल जाता है, इंसान खुद बदल जाता है, पर फीलिंग्स जो होती है ना कभी नहीं बदलती, वो वहीं रहती। हाँ ये बात अलग है कि लोग फीलिंग्स को दिल के अंदर दबा लेते हैं। और मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं गई, पर मैंने तुम्हें बताया एंड आई स्टैंड बाय इट। घर छोड़ के जाने का मतलब है अपने परिवार को छोड़ कर जाना, और मैं तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती। तुम मुझे मेरे परिवार से अलग भी नहीं करना चाहते, तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते। ये क्या हुआ? वो निक मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे 7 लाख रुपए नहीं दिए वो रणबीर को जाकर सब कुछ बता देगा। मैं क्या करूंगी, कहां से लाऊंगी इतने पैसे? हामी नहीं, बात पैसे किस बात की? मैंने उसे बोला
पर उसने कहा कि उसने वो काम कर दिया था और रणबीर ने आके बीच में उसे बचा लिया, तो वो क्या करता? वो धमकी दे रहा है, या तो पैसे दो या घर वालों को सब कुछ बता देगा। उसने कहा उसने हमारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया था। That's why he's blackmailing us, God damn it! ये पैसे, ब्लैकमेल, क्या बातें हो रही है अंदर? जब मैंने ये बात सुनी ना, I was quiet. मैं बोलती भी तो क्या बोलती? He has our recordings. मुझे हमें उसे पैसे देने होंगे, पर इतने पैसे मैं लाऊं कहां से? मैं तो ना कमाती हूँ, ना मुझे घर से पैसे मिलते, you know it. मेरा तो कोई भी नहीं है, ना हस्बैंड, ना फैमिली, ना पैसे। बोल रही हो? मैं हूँ ना, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। आपके पास इतने पैसे? कुछ पैसे मेरे लॉकर में है, रात को निकालेंगे, ठीक है? फिक्र करने की कोई बात नहीं। हेलो जी। हाँ, उसका पता चल गया है, निक नाम है उसका, साकेत, सेक्टर नंबर 1 में रहता है। जी साहब। ऐसे पैसे निकलवाओगे हमसे ब्लैकमेल करके? तो मैडम जी, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मुझे घी आसानी से दे दिया होता ना तो उंगली टेढ़ी ना करनी पड़ती मुझे। आज रात तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, 10:30 बजे मिलना। और लिसन, मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम बात सिर्फ मुझसे करोगे, रिया से कोई बात नहीं करना। तुम टाइम पर आ जाना, पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। मुझे मैडम जी 2,000 की गड्डी मारना, वो क्या है ना कि खाने और ले जाने में आसानी होती है। मुझे मैडम जी, सी यू शार्प एट 10:30 PM। बदतमीज, चलो तुम्हारा बैग कहाँ है? लेट्स गो, कम ऑन। किसको पैसे देने की बात हो रही? बैंड या डूल वाले तो आए नहीं थे, फिर किसको हायर किया था इन्होंने? ये जरूर इन्होंने उसे हायर किया होगा जिसने प्राच पे झूमर गिराया। हाँ, कि वो ही होगा। ओह शिट, मुझे जाके रणबीर को बताना होगा, मैं उसे बताती हूँ जल्दी। रुक रुक शाना, रुक, पहले पता। हाँ बोल। ओ, कब से फोन करो, फोन क्यों उठा रही है? मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? एक काम कर, प्राची का नंबर भेज मुझको। प्राची मैम का नंबर तुझे क्यों चाहिए? किचन में होगा रणबीर, भूख लगी होगी ना, कुछ खाने आया होगा। अगर तूने प्राची का नंबर नहीं भेजा ना तो पुलिस ने कस्टडी में ले लेना मेरे को। मैंने तुझे बोला था इन सब चक्करों में मत पड़। मरने की कोशिश कर, अगर प्राची का नंबर तूने नहीं भेजा ना तो मेरी बैंड बच्चा नहीं है। भेजती हूँ मैं, चल ठीक है, रख। थैंक यू जी। अनु नंबर। हेलो, प्राची रणबीर कोहली जी बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? जी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जी कोहली ना नाम के आगे अच्छा लगता है। कोहली आदमी के आगे पीछे फिरता अच्छा नहीं लगता जी। जी समझा लो अपने पति को, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है जी, अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। हेलो, कौन हो तुम और इस तरह धक्की देने का क्या मतलब है? अंजाम जानते हो इसका? मेरे पति के बारे में ऐसे अनाप शनाप नहीं बोल सकते तुम, वो कौन तुम, हिम्मत कैसी तुम्हारी? जी हिम्मत से बोलने के लिए नहीं है, बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। वो आप इतना पूछे तो मैं बता ही देता हूँ आपको, वो आपको मैंने मारने की कोशिश की थी। जी अब मेरी बात कान खोल के सुन लो जी, अपने पति को बोलो कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, जिस दिन वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा ना उस दिन मैं आपका पीछा करना छोड़ दूंगा, मतलब आपको मारने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पति ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा ना मैडम जी, सोच लीजिए उसके नाम के आगे आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मुझे दोबारा अटैक होगा लेकिन इस बार आपके पति पर होगा, एंड ट्रस्ट मी मैडम जी, इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। मुझे शरीफ घर का लड़का है, घर में रहे, ज्यादा बाहर घूम के ना जेम्स बॉन्ड ना बने, वरना जी जान से जाएगा, सेफ रहे घर में रहे, समझ रही मैडम जी? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। बार बार क्यों फोन कर रही है? हेलो रणबीर, तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन करी, कंटिन्यूअसली कर रही हूँ, अर्जेंट होगा, इम्पोर्टेंट होगा, तुम्हें समझ में नहीं आता? बस
मुझे परेशान करना है, फोन काटना है, उठाना नहीं है ना। हम बाद में बात करें अगर जरूरी नहीं है अभी तो। नहीं अभी बात करनी है, अभी कहाँ हो तुम, हो कहाँ पे? अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे पहले बताओ तुमने फोन क्यों किया, क्या हुआ? तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर आओ, जस्ट कम हो। ऐसा क्या हुआ है, क्यों? सब बताती हूँ, पहले घर आओ ना प्लीज। ऐसे कैसे घर आ जाओ प्राची, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ के थोड़ी आ सकता हूँ। तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम क्या है पता है मुझे? मुझ पे जिसने अटैक किया ना उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, उसे भूल जाओ तुम। प्लीज घर आ जाओ, मैं सब बताती हूँ, घर आ जाओ प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसको पकड़ने आया जिसने तुम पे अटैक किया? किसने बताया तुम्हें? अगर मैंने रणबीर को बताया कि उस आदमी ने फोन पे मुझे धमकी दी है तो उससे गुस्सा आ जाएगा और फिर वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मुझे कैसे पता है, किसने बताया, क्या बताया, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम अभी घर आओ, हम बात करते हैं। यू जस्ट कम होम रणबीर। नहीं पहले मुझे बताओ तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? किसने बताया तुम्हें? टेल मी। तुम घर आ जाओ ना प्लीज रणबीर, प्लीज प्लीज घर आ जाओ, बात करते हैं। ऐसे कैसे घर आ जाओ मिस्टर कोहली? अच्छी देखो तुमसे बाद में बात करता हूँ। रणबीर, रणबीर। हाँ जी जी, हाँ ये देखिए आपकी वाइफ पे जिसने अटैक किया था उसका पता चल गया, उसका नाम निकोलस स्मिथ है, वो यहाँ आगे कुछ ही दूरी पे रहता है। क्या करूँ, कैसे रुकूँ इसे? और जब मैंने फोन नहीं उठाया तो मैसेज कर दिया कि इधर आ जाओ, व्हाट इज दिस? फोन नहीं उठाओगे तो मैसेज ही करूंगी ना। अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ प्राची तो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ ना। क्या जरूरी, मुझसे जरूरी था? तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं था लेकिन तुमसे कम भी नहीं था। अपने पति को बोलो कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। देखो जो भी है अब तुम आ गए हो ना, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की जिसने एक्सीडेंट करवाया। जस्ट एक्सीडेंट नहीं था, वो तुम्हें मारना चाहता था, डू यू अंडरस्टैंड? या आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट फिनिश इट हियर, जस्ट डोंट। तुम जो भी करो ना बस उसे रोक दो, बस रोक दो। हाँ रोक दो, पुलिस है ना वो अपना काम करेगी, तुम्हें पुलिस बनने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट डोंट डू एनीथिंग। तुम मुझे रोक क्यों रही हो, व्हाई यू स्टॉपिंग मी? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम अपना ये जो फेक कंसर्न है ना वो दिखाओ, तुम्हारा फेक प्यार, फेक केयर। आई जस्ट डोंट लाइक फेक कंसर्न। हाँ फेक कंसर्न, फेक कंसर्न। शाबाश, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। तुमने ना दिल दुखाने से लेकर दिल तोड़ने की जर्नी ना बहुत जल्दी कर ली है। तुम तो एक्सपर्ट हो गई हो शक करने में। कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई ऑपरेशन करेगा तुम तो उस पे भी शक करोगी डॉक्टर पे, है ना? चिल्ला क्यों रहे हो, अंदर जाके बात करते चलो। मुझे नहीं जाना अंदर, नहीं बात करनी कोई। जब तुम्हें मेरी कोई बात माननी नहीं है, तुम्हें मेरी कोई जस्टिफिकेशन सुननी नहीं है तो तुमसे बात करने का फायदा क्या है? मैं अपने डिसीजन अपने तक ही रखूंगा, तुम तक नहीं पहुंचाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर तुम मुझे अपनी कसम दोगी तो कुछ भी हो जाए ना। What I mean is अगर तुम मुझे कसम दोगी तो मैं मान जाऊंगा, इसीलिए I will stay in the house, okay? लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम मुझे कुछ भी बोलो, तुम मुझे कोई भी कसम दो, फरियाद दो, कुछ भी जान का वास्ता दो, but I will not stay, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसके बाद तुम मुझे जो बोलोगी ना मैं उसका भी opposite करूंगा। In short, I will do what I feel like. I hope I'm loud and clear. I am good. और हाँ मैं तुम्हें बार बार याद भी दिलाता रहूंगा ताकि तुम ये बहाना ना कर सको कि तुम भूल गई हो। याद रखना तुम जो भी बोलोगी मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानना है ना तो मत मान, आई डोंट केयर। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी क्या? तुम्हारी बात मानी ना, तुम्हारी कसम मानी, इसलिए तो मैं रुक रहा हूँ ना यहाँ पे। जो चीज मैं बाहर करने वाला था मैं घर के अंदर से करूंगा। और प्लीज मेरी ऑलरेडी एक माँ है, एक और माँ मत बनो, रोकना मत। इतना एटीट्यूड है ना तुमने, ये थोड़ा कम होता ना तो शायद बता भी देती। अगर प्यार से बात करते, मेरी बात सुनते तो मैं बता देती क्यों रोक रही हूँ, पर तुम तो तुम हो। कोई बात नहीं, ऐसे या वैसे बात तो मेरी ही मानी ना। तुम्हें कैसे हैंडल करना है अच्छे से जानती हूँ मैं बकलो। अरे ये अलमारी किसने लॉक की? लॉक की है पर चाबी कहाँ है? मैं लॉक करती हूँ इसे कभी, मुझे क्या पता चाबी कहाँ है। देखो जरा किसने किया ये। काम डाउन बाबा, काम डाउन। मेरे पास पैर की है, मैं लेकर आता हूँ, ओके? अब तो मैं गया, ये चाबी लेकर आएंगे और दरवाजा खोलेंगे। तो मैं क्यों आया इस घर में? कहाँ थे तुम, पूरा दिन मैं ढूंढ रही थी तुम्हें। जब मैं घर पे होता हूँ तो आप बोलते पूरा दिन घर पे क्या कर रहे हो, जब मैं बाहर होता हूँ आप बोलते पूरा दिन बाहर क्या कर रहे हो। आप डिसाइड करो क्या चाहते हो आप मुझसे। तुम मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों देता है? I'm so sorry यार मम्मी, एक्चुअली मेरे ना दिमाग में वो निक चल रहा है बहुत देर से, इसीलिए मेरे। Who's Nick? Nick वो आदमी है जिसने प्राची पे हमला किया था, That's Nick। और वो आदमी एक बार मुझे मिल जाए ना तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार।
मॉम हाँ प्लीज प्राची से कह दीजिए कि मेरे काम के बीच में ना पड़े, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दे, खत्म बात। सुन लिया ना, मेरे बेटे ने साफ साफ कह दिया है तुमसे, उसके काम के बीच में मत आना, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। सुन तो हम दोनों ने लिया पर मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। आपको लगता है रणबीर मुझसे दूर जाना चाहता है और मैं ऐसा करने से उसे रोक रही हूँ? कह चुकी हूँ आपके बेटे से उस आदमी के पीछे भागना, इन्वेस्टिगेशन करना बंद करे जिसने मुझ पर अटैक किया है, पर वो सुन ही नहीं रहा। उसका ये जो डेस्परेशन है ना, वो पागलपन बन रहा है, जुनून बन रहा है उसका। ऐसे में वो अपना ही नुकसान कर रहा है, पर मैं नहीं चाहती वो अपना, आई नो आप भी नहीं चाहती कि रणबीर अपना नुकसान करे, अपनी जिंदगी खतरे में डाले, क्योंकि आप उसकी माँ है। इसीलिए उसकी बात मुझे मत समझाइए, मैं जो कह रही हूँ उससे कहिए वो बात मान ले। कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, जाहिर सी बात है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से रणबीर अपनी जान। क्या जादू किया है तुमने उस पर? तुम्हारे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है उसे। मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा उसकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि हम इम्पोर्टेंट है उसके लिए, लेकिन हम तो गिनती में ही नहीं। प्लीज प्राची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। आपको लगी तो नहीं? अरे लग गई। अरे बैठो 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 आप इधर। कहाँ लगी आपको? अरे घुटने में लग गई। भगवान जी इस पर बचा लो, और नेक्स्ट टाइम में मैंने पक्का कोई गलत काम नहीं करना, इस बार बचा लो। अरे इस घुटने में नहीं, इस घुटने में लगी है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे लगी। हाँ अभी बेहतर लग रहा है थोड़ा? हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तू एक बात बता, प्राची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? प्राची रणबीर के साथ है तो वो ठीक ही है, और वो दोनों ना एक दूसरे से कितना भी लड़े पर जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना एक छत के नीचे तो वो खुश रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं चाहे तरीका कोई भी। सही कहा तूने, दोनों एक घर में रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अरे अब क्या हुआ? पानी लाऊं आपके लिए? ले आ, थोड़ा पानी ले आ जा। मेरा फेयरिंग कहाँ गिर गया? टेस्टिंग भी नहीं करते यहाँ पर लोग, पता? तुम अभी तक यही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों? तुम नहीं पूछ सकती, समझी? और मुझे पूछना भी नहीं है। यार पैसे तो पूरे लग रहे हैं। तुम दोनों कहाँ थे? और आलिया मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मैं तो यही थी, और कहाँ जाऊंगी मैं? आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बात करनी है ना आपको मुझे, चलिए ना अंदर चल के बात करते हैं। हाँ अंदर जाएंगे तभी तो नेक बाहर आएगा, चलिए। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठ सकती, मैं तो यहीं बैठूंगी, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। आलिया मैं तुझे इसलिए ढूंढ रही थी, वो डॉक्टर आई थी ना उस दिन तुझे देखने के लिए, उसका नंबर होगा तेरे पास, उसे फोन करके बुला दे। वो अच्छी डॉक्टर थी, वो मेरा घुटना देखेगी ना, शायद वो घुटने के दर्द को ठीक कर दे। उसे बुला दे जरा, यानी घुटने का दर्द तो है ना मेरी जान ही लेके रहेगा। आपका दर्द आपका नहीं, हमारी जान लेकर रहेगा। आप यहाँ और निक वहाँ। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं, मैं आपको नंबर ला के देती हूँ ना। अरे तेरे हाथ में फोन है, उसमें होगा ना? नंबर एक्चुअली डायरी में लिखा हुआ है, ला के देती हूँ। चॉकलेट्स वैलेंटाइंस डे में ऐसा प्यार करना चाहता था, तुम्हारा घर पे कुक, बाहर ड्राइवर, अकेले में बॉडीगार्ड बनना चाहता था।
तुम्हारी फेवरेट हिंदी मूवी का एक अच्छा रोमांटिक हीरो बनना चाहता था, लेकिन देखो क्या बन गया हूं। देखो मैं क्या बन गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे प्यार कैसे करूं। तुमसे प्यार करना इतना मुश्किल हो गया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुमसे और प्यार नहीं करना चाहता हूं, मैं थक गया हूं यार। पर मेरे 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 चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसको तो मेरी मजबूरी कहो या मेरी कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी फितरत है तुमसे प्यार करना। आई लव यू हेल्पलेसली। आई हेल्पलेसली लव यू यार। जितना तुमसे प्यार करता जा रहा हूं ना, मैं उतनी ही अपने आप से नफरत करता जा रहा हूं। हर दिन अपने आप को बोलता हूं कि आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा कमबख्त दिल, मेरा दिल नहीं मानता है। मेरा दिल मुझे अपनी सारी बातें बता देता है, लेकिन मेरी नहीं सुनता है। मेरे टाइम बिल्कुल बहरा हो जाता है। और मेरा दिल जब तक मुझसे जुड़ा हुआ है ना प्राची, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरा दिल जब तक मेरे साथ है, तब तक ये तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा, तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें चाहेगा, तुम्हारे लिए। आई नो मेरा बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। शायद तुम्हें मेरा पागलपन लगेगा, पर मेरा पागलपन नहीं है, ये मेरा जुनून है। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता हूं, उसको पकड़ना चाहता हूं, उसको मारना चाहता हूं, जिसने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता प्राची तुम मेरे लिए क्या हो यार। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें हमारे रिश्ते से आजाद कर दिया। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर चुका हूं ना कि मुझे अब समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं या तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मैं पागल हो गया हूं। आई गॉन मैड। मुझे समझ नहीं आता है, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं मैं। हर दिन सुबह उठ के मैं अपने आप को बोलता हूं कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, शायद हम लोग मिले ही थे जुदा होने के लिए। That you don't matter to me at all. But असल बात तो यह है कि you are the only thing that matters to me. Only thing. लोग जब मुझे मिलते हैं ना प्राची, तो मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, मैंने बहुत नाम कमा लिया है, पर क्या फायदा ऐसे नाम का जब मेरा वजूद तुमसे जुड़ा हुआ है। तो मेरी खुद की क्या पहचान है मेरी। मैं बोलती okay. मैंने ऐसे हक किया, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ गलत मत समझना, ये ऐसे ही था, इसका कोई मतलब नहीं था। मेरा मतलब मैंने ऐसे ही... मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा। मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग्स, इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता। और मेरी जो बातें भी है ना, मैं अगर कुछ भी बोलूं ध्यान मत देना, क्योंकि इमोशंस में आके मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मुझे पता है तुम्हारी बात का क्या मतलब था। मैं भूल चुका हूँ, पर तुम मेरी बात मत भूलना। वो जो आदमी मुझे मिल जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी तुम्हें नरक बना के ही रहूंगा, जिससे तुम्हें चोट पहुंचाई। आई विल नॉट लीव हिम। बुरा और गलत तो हुआ है ना प्राची। इस पूरी सिचुएशन में बुरा तो सिर्फ एक इंसान के साथ हुआ, और वो इंसान मैं हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सपने बर्बाद हो गए। तुम्हें याद है ना, मेरे 3 सपने हुआ करते थे। पहला सपना तुमसे शादी करना, दूसरा अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, और तीसरा आपको लगता है उसने को बेहोश करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब वो उठेगा ना तो ब्लास्ट हो जाएगा पूजी, और सबको हमारा सच बता देगा। और तो और उसने अब देख लिया है आपको उस पे अटैक करते हुए। सोचो अब उसके अंदर कितना गुस्सा होगा। कुछ नहीं होगा, वो गुस्सा भी नहीं होगा। आप ना ओवर कॉन्फिडेंट है। हम लोग सेम घर में हैं, सेम सिचुएशन में हैं, मेरी यहाँ जान निकली पड़ी है, और आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
बात ओवर कॉन्फिडेंस की है ही नहीं रिया। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी तो समझोगी। आज वहाँ सब थे और मुझे पता था कि 100% निकाज पकड़ा जाएगा, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक। रिया, होश में होता तो सब बोल देता। मैंने उसे पकड़वाया लेकिन बेहोश हालत में, और जब वो होश में आएगा ना, देन आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। सब वहाँ होंगे ना, सबके बीच में आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगी? क्योंकि उसके पास तो और कोई तरीका ही नहीं है अपने आप को बचाने का, तो वो हमारा सच सबको बता देगा। आई एम श्योर वो ऐसा ही करेगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले मैं कुछ ऐसा करूंगी कि निक किसी के हाथ में ही ना आए। वो फोन कर दिया था, वो कभी भी आ सकते हैं। गुड, वेरी गुड, आने दो उनको। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो आए। क्यों? आप लोगों को मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनना और फिर रिएक्ट करना। मुझे लगता है कि अगर हमने इसको पुलिस वालों को दे दिया तो जिस इंसान ने इसको हायर किया था उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा? यही तो पुलिस का काम है, वो लोग पता लगाएंगे। डैड, बहुत सिंपल सी बात है, जिस इंसान ने इसको हायर किया है उस इंसान के पास बहुत पैसे हो सकते हैं, वो पुलिस वालों को भी तो खरीद सकता है। अगर ये वहां गया, उसने वहां पे जाके अपना कॉन्टैक्ट यूज कर लिया तो ये निकल जाएगा। अगर ये बाय चांस नहीं निकल पाया तो इसकी कोई बेल करा देगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बेस्ट पार्ट इज कि हम इसको यहीं रखते हैं, यहां बांध देते हैं और बांध के इससे पूछते हैं कि इसको किसने हायर किया था, और जब तक ये सच नहीं बताएगा तब तक इसको जाने नहीं देंगे। व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सही क्या, जो ये कर रहा है वो सही है। पुलिस है ना, पुलिस आएगी अपना काम करेगी, ये काम हमारा नहीं। तो क्या है हमारा काम? हम यहाँ पे बैठे रहे, इसको देखते रहे, हाथ पे हाथ धरे रखे रहे? मैं ये नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि लेट पुलिस कम, लेट देम टेक अ कॉल, क्योंकि इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। बस इसे यहाँ रखना ठीक नहीं, इसे बाहर रखना ठीक है। प्राची, जो तुम्हें मारना चाहता है ना इंसान, वो इस घर के अंदर ही है। मैं जब अपने घर के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं बाहर किसी पे कैसे ट्रस्ट करूं यार? और जब तक मुझे वो इंसान के बारे में नहीं बताएगा तब तक मैं इसको नहीं जाने दूंगा, खत्म बात। मैं बस इतना कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? बस करो ना, मुझे पता है तुम्हें मेरी हर बात को काटना पसंद है। आई नो दैट। तुमने तो जैसे कसम खाई हुई है कि जो भी मैं बोलूंगा उसके तुम अगेंस्ट ही जाओगी। भलाई इसी में है कि ये पुलिस स्टेशन ना जाए। भलाई की बात मैं कर रही हूँ रणवीर, तुम नहीं। जरा सोचो, ये प्रोफेशनल किलर है, इज अ क्रिमिनल। पुलिस का काम है ये, पुलिस हैंडल कर लेगी। अगर हमने इसे घर पे रख दिया और ये भाग गया तो हम सबकी जान को खतरा है, ये कुछ भी कर सकता है। इतना बड़ा रिस्क मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। रिस्क सिर्फ उसी इंसान के लिए है जिसने इसको हायर किया था तुम्हें मारने के लिए, और किसी के लिए रिस्क नहीं है। और अगर ये यहां से चला गया ना आज, तो हमें कभी नाम के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि किसने हायर किया था। मैं जो कहना था तुमने कह दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि हम इसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम इससे पूछेंगे। डैड, व्हाट डू यू थिंक? राजीव, रणबीर ठीक कह रहा है, एक बार ये यहाँ से चला गया तो हमारे लिए असली कल्प्रिट का पता लगाना नामुमकिन होगा, और अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर हमें एक ऐसे इंसान के साथ इस घर में रहना पड़ेगा जो प्राची का दुश्मन है। और इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो सिर्फ प्राची को नुकसान पहुंचाना चाहता था? हो सकता है वो हम में से किसी को भी हार्म करना चाहता हो। अरे, हमारा खून एक है, हम बदल सकते हैं, लेकिन हमारा खून नहीं बदल सकता। तो प्लीज, हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, तुम्हें शक करना है ना मुझ पर, करो, लेकिन मेरे माइंड में, मेरे मुंह पर तो कुछ मत बोलो। सिबलिंग्स कोई भी हो, उनमें प्यार हमेशा होता है रणबीर। जब प्राची इस घर में आई थी, उसने देखा था कि मेरी तुमसे शादी हो रही है, मुझसे बहुत लड़ी, बहुत झगड़ी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब मैं स्लिप होकर गिरने वाली थी ना, तो इसने मुझे बचाया। क्या मतलब हुआ इसका? टेल मी, गिरने देती मुझे, लगने देती चोट? हाँ, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जब मम्मी ने कुछ गेस्ट बुलाए थे घर पर और प्राची से खाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने इसका साथ दिया था, सबके सामने, मम्मी के सामने, दी एंटायर फैमिली। इतनी लड़ाइयों के बाद भी जैसे प्राची मेरा साथ देती है ना, मैं भी उसका साथ देती हूँ। जैसे प्राची मेरे लिए कंसर्न है, मेरा भी उसके लिए कंसर्न है, मेरी भी फीलिंग्स है, जो मुझे किसी को भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दो बहनें लड़ सकती है रणबीर, एक दूसरे को कभी नहीं मार सकती। यू अंडरस्टैंड?
मुझ पर प्राची को मारने का इल्जाम लगा रहे हो? और तुम उसकी रस्सी खोल रही थी, मुझे तो यही लगेगा ना। आंखों देखा ना, कभी कभी सच नहीं होता। मैं रस्सी खोल नहीं रही थी, मैं रस्सी टाइट कर रही थी। इस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे लगा मैं इसके मुंह पर पानी की छींटे मार के उसे होश में लाकर उसे पूछती हूँ कि हु द हेल वाज इट जो मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहा था। वो होश में आने लगा तो मैं डर गई और इसलिए मैंने उसकी रस्सी टाइट कर ली ताकि वो भाग ना पाए। बस मैं यही सब कर रही थी और तुम आ गए मुझ पर इल्जाम लगाने। अकेले तुम ही नहीं हो जो प्राची की चिंता करते हो, मैं भी हूँ, बस कुछ बोलती नहीं। मैं मानता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने गलत देख लिया, पर मैं सॉरी नहीं बोल सकता। मैंने बस उसी बात पर रिएक्ट किया जो मैंने देखा। इससे तो जितनी बात करो ये उतना जवाब देता रहेगा, क्योंकि इसके सर पर तो रियल कल्प्रिट को ढूंढने का जुनून सवार है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम जाओ ना अंदर, जाओ प्लीज जाओ। उसे छोड़ो रणबीर, इस पे ध्यान दो, ये अभी तो होश में नहीं आया। एंड यू आर उस जान पहचान के लिए क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? तुम्हारी जिंदगी पे तो हक नहीं है मेरा, पर क्या तुम मुझे सुकून के कुछ लम्हे दे सकती हो? अपने मेरी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है, चैन की नींद तो बहुत दूर की बात है, सुकून का एक पल नसीब नहीं होता है मुझे। मेरा जो दिमाग है वो कभी शांति नहीं हो पाता है। एक तुम ही हो जो मुझे थोड़ा सा सुकून दे सकती है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा सुकून दे सकती हो प्लीज? और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। देखो अगर तुम हाँ बोलने वाली हो तो इसलिए मत बोलना क्योंकि तुम मेरे पे एहसान कर रही हो। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, पर प्यार की दो बातें तो कर सकती हो ना। पर यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं खुद रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ, कहीं और चलते चले। मेरा हाथ लो और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। कैसी लगी जगह? अच्छी है, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है। जगह मेरे हाथ में थी पर हवा मेरे हाथ में नहीं थी। आई थिंक ये तुम्हें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा हूं? वो कुछ याद आ गया था मुझे। क्या? आज फिर तेरा नजारा। मुझे याद आ गया कि तुम कैसी छोटी छोटी चीजों को लेके खुश रहती हो। तुम्हें याद है एक बार मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया था और उस दिन बारिश हो रही थी, तुम बारिश में भीग के इतना खुश थी। फिर मुझे पता चला तुम्हें चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। ये चांद को देखना, ये बारिश में भीगना, हवाओं को अपने चेहरे पे महसूस करना,
ये सब कितना कितना खुश कर देता है तुम्हें। और मुझे लगता है हम इंसान ना अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियों के लिए छोटी छोटी खुशियां नजरअंदाज कर देते हैं। आई थिंक कि हम सबको ना छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए, वरना ख्वाहिशों का क्या है, हर पल बढ़ती रहती है ना। तुम्हें लग रहा होगा मैं सेंटी हो रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको हर दिन आने दिन जब हम टूट गया। शिट, एक सेकेंड, वो जूता निक ने पहना था ना। हाँ, ये निक का ही जूता है, मतलब निक भाग रहा है। हाँ, ये तो यहाँ है, हमने बाहर जूता किसका देखा था। निक, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, समझे निक। कौन भाग रहा है रिया? रणवीर, प्राची, तुम यहाँ, कुछ हुआ है क्या?